डेली आया है इस बार के सीटेट के पेपर में। मैंने कल परसों भी एक आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 0.86 दिया हुआ था। आज दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें डिजिट्स का खेल है, मतलब 5, 4, 1, 3 इनको घुमाया गया, कभी किसी को यूज किया गया, कभी किसी को। गुड आफ्टरनून आप सभी को, भरपूर आशीर्वाद, भगवान करे कि आप अगले एक साल के अंदर अंदर सरकारी तनख्वाह का मजा ले रहे हो सभी के सभी, एक दो नहीं सारे के सारे। एक बालक पूछ रहा है केवीएस के वॉक इन इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आता है। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया है और मुझे बहुत खुशी है। जब मैंने वो वीडियोस बनानी शुरू की तो एक मन में ये था कि यार कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी क्या ही बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा किसी एक के तो काम आ जाएगी शायद, और वो काम आ गई। एक हमारे पेड़ बैच का स्टूडेंट है त्रंबकेश शर्मा, जिसका इंटरव्यू क्लियर होकर उसका पीआरटी में सिलेक्शन हो गया है। तो रिजल्ट स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन बाद देगा, और अभी भी चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई केंद्रीय विद्यालय घर के पास ढूंढिए, उसकी वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएगी, जाकर अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन का आंसर बालकों का कुछ का सी है, कुछ का डी है। लगाना कैसे है भाई? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले तो ये देख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है गिरा हुआ, और हिंदी में होता है अवरोही, ठीक, यानी अवरोही जो उतर रहा है, ठीक, उतरते हुए को या घटते हुए को अवरोही कहा जाता है। सबसे बड़ा 5 होगा, देखो सबसे बड़ा 5 होगा, ये दोनों में 4 दिया हुआ है, यानी जिन बच्चों का आंसर ए या डी है वो तो दिख मत जाना। नवनीत कुमार शर्मा, थोड़ी देर के लिए कमेंट नहीं आना चाहिए, तेरा ध्यान से पढ़। तो यहां 54, यहां भी 54, यहां 51, यहां 53, तो पहले 53 आएगा ना घटते हुए क्रम में, पहले बड़े वाला आता है। 51 अभी थोड़ा बाद में ले लेंगे यहां, फिर 45, फिर 43, ऐसे देखो 54 53 51 45 43। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी, सबसे पहले 54, उसके बाद 53, 53 51, 45 43, ऐसे आता चला जाएगा, बाकी के आगे के नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, समझ गए। अब बीच बीच में 2 सवाल करेंगे हम मैथ के, 1 सवाल करेंगे पेडागोजी का। तो पहले मैथ का 1 सवाल और कर लो, उसके बाद चलेंगे हम पेडागोजी पे। ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जो हम लिखना चाहते हैं, 9,19,99,999, 9 करोड़ 19 लाख। करोड़ में कितने जीरो आते हैं सब बता रखा है आपको, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, लाख में कितने जीरो आते हैं, ये हमारे यहां का सिस्टम है। मैंने आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में भी बता रखा, वो भी पेपर में आता है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये भी पेपर में आएगा, ये मत सोचना नहीं आएगा। शिफ्ट में पेपर होगा तो किसी के पेपर में कुछ आएगा, किसी के में कुछ। 1 करोड़ में 7 जीरो, लाख में 5 जीरो, तो करोड़ में पीछे 7 जीरो होंगी और एक संख्या खुद होगी, मतलब 8 अंकों की संख्या होगी। अगर आप करोड़ लिख रहे हो तो 8 अंकों की कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां 8 अंक पूरे हो जाएंगे, मतलब ये 2 नहीं है, ये 2 छोड़ दो, इनमें 7 अंक है। अब 919 होना चाहिए, 9 करोड़ 19 919, ये रहा बी। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये वाली है करोड़ वाली, ये दोनों नहीं है, उन्हें छोड़ दो। उसके बाद 19 लाख लिखा हुआ है, शुरू में 9 दोनों में है, एक में 19 एक में 90 है, हमें 19 लाख वाला लेना है। तो आंसर हो जाएगा बी। मिलियन में कितनी जीरो होती है, बिलियन में कितनी होती है, ट्रिलियन में कितनी होती है? विदेशों में जब भी विदेशी दौरे पे जाओ तो 6, 9, 12 करके जाना। क्या 6, 9, 12? 6 बजे निकलना, 9 बजे पहुंचना और 12 बजे सो जाना, कर लोगे ना ऐसा? तो दूसरा, 3-3 का गैप होता है वहां, कितने का? 3-3 का गैप, हमारे यहां 2-2 घंटे का गैप होता है। 7 बजे एक नाटक आएगा, 5 बजे दूसरा आ जाएगा। एक चीज और आप लोगों को, ये इस तरफ कर लो तीर का निशान, एक चीज और, बिलियन ट्रिलियन भयंकर पॉइंट मेरे मन में आया था, निकल गया, चलो फिर से याद आएगा तो बताऊंगा। ये था सवाल नंबर 2। हाँ, मैं ये कह रहा था, जब कोमा लगाया जाता है ना विदेशों में, तो 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है ऐसे। जैसे इसे अगर मुझे कोमा लगा के लिखना है तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा मुझे बताना। 9 करोड़ 19 लाख था ना, 9 करोड़ 19 लाख 90 हजार 999। मैं इस क्वेश्चन को आपको
ऐसे देखो, अब बताना मुझे कौन सा होगा। 9,19,90,999 ये था नंबर। चार ऑप्शन दूंगा, मुझे बताना कौन सा सही है। मतलब मान लेना यही नंबर था, मुझे लगता नहीं ये नंबर था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, बचपन से सीखते आ रहे हो। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, भारतीय सिस्टम के हिसाब से, भारत के हिसाब से कौन सा सही है। कौन से में कोमे सही लगे हुए हैं, भारत के सिस्टम के हिसाब से, भारत भारत एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भारत के सिस्टम का अनुपालन कर रहा है। देखो भारत का पालन कर रहा है, जिस जिसका आंसर ए आया बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। 9,19,90,999 बात समझ आई, 9,19,90,999 हमारे यहां पहला तीन के बाद आता है, बाकी दो दो के बाद आते हैं। पैटर्न याद रखना, पहला तीन के बाद इकाई दहाई सैकड़े पे आता है पहला, और फिर डबल डबल पे आते हैं, फिर डबल डबल पे आते हैं। पॉइंट क्लियर, सबको ये बात समझ आ गई। पहला भारत के सिस्टम के हिसाब से, ये तो हो गया इंडियन, ये हो गया इंडिया। बाहर का इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय विदेशी, ये सवाल इस बार भी पेपर में आया था। विदेशी दौरे पर चलना है, विदेशी दौरे पर बताओ विदेश के हिसाब से कौन सा सही है, विदेश के हिसाब से कौन सा सही है। द्वारका सेक्टर 5 था, मेरे घर के पास ही है बिल्कुल, मतलब मैं सेक्टर 5 में ही रहता हूँ, मेरे घर से स्कूल दिखता भी है केवीएस का, फ्लैट से ऊपर से घर उसकी छत दिखती रहती है स्कूल की। करिए क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन पे आएगा, कितने पे आएगा, तीन तीन पे, यूं तीन तीन पे, तीन तीन पे कहां लगा हुआ है, तीन तीन पे लगा हुआ है सी में, किस में लगा हुआ है, सी फोर चुन्नी जी में, नहीं बी गलत है, सी, तीन तीन पे आएगा। वो लोग 100,000 ऐसे बोलते हैं, 100,000, 99,000, 100,000 बोलेंगे, 1,00,000 नहीं बोलेंगे वो लोग। बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब एक पैडागोजी का क्वेश्चन चटका लेते हैं, तीन चार सवाल आपने मैथ के कर ही लिए। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे, मुझे ये बता दो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि एक क्लास में होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्लास तो सब समझते होंगे ना, रचनावादी, रचनावादी मतलब बालक को बनाना है, ठीक, उसे कुछ ऐसा करना है जिससे वो, ये बाद में एक्सप्लेन करूं, बताओ खुद फटाफट। बताइए, हां तीन तीन का गैप, क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रचनावादी क्लास में होता होगा या होता है, कौन सा इनमें से। एक एक ऑप्शन पढ़ लो आराम से, पैडागोजी तभी हल होगी जब आप एक एक ऑप्शन को पढ़ोगे। देखो बच्चे अपने आंसर को मतलब ब्लैक बोर्ड से आंसर उतार रहे हैं, क्या ये रचनावादी क्लास है, नहीं है, रट्टावादी क्लास है। रचनावादी क्लास वो होती है जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही हो, बच्चा सीखने के लिए सीखने का केंद्र होना चाहिए, अगर आप चाहते हो बच्चा कुछ सीखे तो वो उसका हिस्सा होना चाहिए। क्रिकेट मैदान पे वो 22 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं या वो जो बाहर बैठ के देख रहे हैं, क्रिकेट वो खेल रहा है जो मैदान में उतरा हुआ है, तो बच्चे को मैदान में उतारो, ब्लैक बोर्ड से आंसर उतारना सही नहीं है। बच्चे रिसाइट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को, 2 3 6 2 4 8 2 5 10, सरकारी स्कूलों में ऐसी आवाज आती है, वो गलत तरीका है, ए भी गलत बी भी गलत, रचनावादी नहीं है ये, रट्टावादी। चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, ऑप्शन सी कहता है बच्चे गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमेशा ऐसा ऑप्शन ढूंढो, देखो वो मत ढूंढो जो तुम्हें सही लगता, वो ढूंढो जो
समाज की नजरों में सही है। बात समझ आ गई? जैसे तुम जाओ, अगर तुमसे कोई पूछे क्या किसी शादी में चिपके खाना सही है, तो तुम कहोगे हाँ सही है, खा लो, क्या दिक्कत है। ये तुम्हारी सोच है, समाज की सोच, वो गलत मानेंगे उस चीज को। तो समाज कहेगा आप एक्टिविटी करने दीजिए, बच्चों को गतिविधियों से सीखने दीजिए। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है प्रोसीजर को कि कैसे कैसे करना है, वो गलत है। प्रोसीजर पे, एल्गोरिथम पे, यानी कलन विधि पे, स्टेप्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। बच्चों को स्टेप्स नहीं रटवाने हैं, उसे खुद के स्टेप्स डेवलप करने देने। तो पहले पेडागोजी के पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी। उम्मीद करता हूं अब आप याद रखेंगे। कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्या होता है? आप किसी को, जैसे कोई आपके पास आया और कहेगा कि मुझे खेलना सिखाओ, बैट पकड़ना सिखाओ, तो उसे बैट दो, उसे खुद बॉल को मारने दो। ये नहीं कि उसे कह दो चल बैठ जा मैं खेलता हूं तू देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो अब आपको भी खेलना है, लाइक करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। ये क्वेश्चन डेली मैं दिन में एक दो बार पूछता हूं और तुम पक्का एक दो बार गलत कर देते हो। क्वेश्चन कहां छिप गया भाई, बाहर आ निकल के। ये रहा वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार मान लो इसे, चार। क्वेश्चन नंबर चार आप सबकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य है? बहुत ज्यादा ऑप्शन अब ऐसे आते हैं पेपर में और बढ़ेंगे आगे चल के। देखो एग्जामिनर कैसे आड़ कर सकता है क्वेश्चन को, या तो तुमसे यही पूछ ले क्या 7 फैक्टर 91 का, क्या ही होगा इस सवाल में? एक सवाल में 3 बात पूछ ली, तुम किसी एक में तो फंसोगे, उसे ये उम्मीद है। करिए लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल बढ़िया, करके सीखने देना है बच्चे को कंस्ट्रक्टिव क्लास में, बहुत बढ़िया। प्रसपाल सिंह जी, इनके 117 मार्क्स आए, ये मुझसे बहुत दिनों से पढ़ रही है लड़की, पढ़ने में बहुत ही शानदार है। चलिए पहला क्वेश्चन, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे यहां मैं 16 लिख देता हूं, 16 के मल्टीपल तो है 32, 48, 64, ये तो इसके गुणज हैं। ये क्या है? गुणज यानी कि मल्टीपल, इसके पहाड़े में आते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट नंबर एक, 16 किस किस से कटता है, उन्हें फैक्टर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर। इन सब से कटता है, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। ये क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। ये क्या है? फैक्टर यानी गुणनखंड। अब ध्यान रहे मैं आपको बता दूं, एक नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। पहला पॉइंट, बहुत ही फंसे हुए पॉइंट है ये, 16 खुद के पहाड़े में भी आता है और खुद को काटता भी है, दोनों काम करता है। एक हर किसी का फैक्टर होता है, एक से हर नंबर कटता है। पॉइंट क्लियर? जीरो हर किसी का गुणज है, जीरो हर किसी की गुणा में आता है, जीरो की गुणा कर दो उस नंबर में जीरो आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जीरो सबका गुणज, एक सबका गुणनखंड और एक नंबर खुद का, दोनों चीज होता है, मल्टीपल और फैक्टर दोनों। ये पॉइंट आप समझ गए क्या? 7, 91 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। पहली बात तो ठोक के सच करो, मतलब सी तो होगा नहीं। अब चलो देखो, 2 देख लो, 2 को चेक कर लो, उसी से पता चल जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, और 2 सही है तो फिर ये होगा, क्योंकि 3 तो हर जगह है। 13, 117 का गुणज है, नहीं है, बात गलत है, छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, 2 नहीं हो सकता, 2 यहां भी है, यहां भी है, छोड़ दो, आंसर बचेगा बी, तीसरे तक जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। सवाल में कह रहा है 13, 117 का मल्टीपल है, नहीं उल्टा 117, 13 का मल्टीपल, 117 आगे लिखा होना चाहिए था, 13 पीछे लिखा होना चाहिए था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बबलू भैया, सब बच्चे दे रहे थे, चलो बहुत बढ़िया, आसान सवाल कर लिया। अब एक सवाल करेंगे थोड़ा रोचक सा, आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा सीरीज, बहुत टाइप की सीरीज आई है, सीरीज के सम भी बहुत सारे इस बार क्वेश्चन आए हैं, सीरीज देके उसका योग पूछ लिया, सीरीज की 2-2 डिजिट भी पूछ ली कि ये क्या होगा और अगला क्या होगा, तो 2-2 भी पूछी गई है। सीटेट पेपर 2 की रिया द्विवेदी, कल से क्लास स्टार्ट हो गई है, कल पहली क्लास थी, 7 से 8 चलती है शाम को। क्वेश्चन का आंसर बी, 5वें का ऐसे लिखो, देखो आंसर मैं वैसे मानूंगा, 5वें का ए, 5वें का बी, ऐसे ऐसे बताना। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसका नाम ले लेते हैं, कविता साहू, डी पे दावत ठोक रही है, रमीज राजा, रेनू लांबा, संतोष, अपर्णा, नदी मालम, दीक्षा, विष्णु, मोनिका, अमित, सोंटी, ये सब डी कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं कैसे आया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
चार का स्क्वायर, मतलब ऐसे चल रही है कहानी, एक एक नंबरों के वर्ग लिखे हुए हैं, तो चार का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। अगली बात पे आ जाओ, आगे क्या लिखे हुए, क्यूब, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, कितना आएगा 64, कितना आ गया 64, 16 और 64, तो क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो पढ़ा था कविता साहू का पढ़ा था, और आंसर मैं मानूंगा भी वही जो ऐसे लिखेगा, 5 का ए बी सी डी। तैयार हो गए, सांस ले लो थोड़ा सा, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अगले क्वेश्चन के लिए लंबी सांस, चैट ओपन करके रखनी है, एक निगाह सवाल पे, यूं आंखें ना ऊपर नीचे, एक उधर एक इधर। तैयार, चलो अगले सवाल पे चलते। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शुरू में वर्ग लिखे हुए, बाद में घन लिखे हुए, क्यूब लिखे हुए, तो 1, 8, 27, 64 होगा 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। चलो पेडागोजी का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा बहुत ही आसान सवाल, इसे कहूंगा मैं सवाल नंबर 6। दो चीजें भी सीख लेंगे, फॉर्मेटिव टास्क होता क्या है वो भी सीख लेंगे, वो भी बता देंगे भाई। सासू मां रिश्ता देखने आएगी, दो मां होती है, सासू मां और अपनी मां, ये मां, सासू मां और अपनी मां, सासू मां जो करेगी वो समेटिव टास्क है भाई, आपको देखने आई है सासू मां तो समेटिव टास्क कर रही है, यानी योगात्मक मूल्यांकन, जो आज तक आपने सीखा पढ़ा उसका सबका मूल्यांकन हो जाएगा, आप दिखते कैसे हैं, मेकअप कैसा किया, टचअप कैसा किया है, कपड़े कैसे पहने, तो सासू मां करती है योगात्मक मूल्यांकन, मां करती है रचनात्मक मूल्यांकन, मां कैसा मूल्यांकन करती है, रचनात्मक फॉर्मेशन, आपकी मां आएगी तो आपको यही बोलेगी, ला मेरी बेटी या मेरे बेटे, बाल ऐसे कर दे, ये ऐसे कर ले, वो वैसे कर ले, आप कोई सब्जी बना रहे हो उसे सुधार करवा देंगे, कोई बदलाव चाहते हो उसमें बदलाव कर देंगे, योगात्मक मूल्यांकन में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, पास फेल होते हो नंबर मिलेंगे। आपकी सासू आपको देखने ही वो नहीं बोलेगी, आपने दाल में नमक ज्यादा कर दिया उसे क्या दिक्कत है बोलने की, वो तो खा के चली जाएगी, बाद में अपने घर पे जाके बोलेंगे कि दाल में नमक ज्यादा था, और क्या फोन करके बोलेंगे अगली बार फिर आएंगे ठीक कर लेना, नहीं बोलेंगे, आप पास या फेल। यहां पे आप आओ, मां के पास रचनात्मक, मां आपको बना रही है, आप गलती भी करोगे तो भी सुधार देगी, तो फॉर्मेटिव टास्क से बच्चों को सिखाया जाता है, बनाया जाता है, कुछ गलती कर रहे हो तो वो ठीक की जाती है, किससे रिलेटेड, डाटा कलेक्शन से, आंकड़ों के संग्रह से, आंकड़े इकट्ठे करने, पड़ोस में कितने लड़कों की लड़कियों की शादी नहीं हुई है, आपको ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो आंकड़े इकट्ठे कैसे होंगे, जब आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट देंगे, क्वेश्चन का आंसर होगा सी। सचिन गलत है भाई, सुरभि, पिंकू, अंजना, सुवर्णा, अपर्णा, मलिका, सुदामा, ज्योति, वंदना, आशा, सौरव, प्रीति, अंजना, इन सबका सही है, सर्वे बेस्ड आधारित, आंकड़े तभी तो इकट्ठे होंगे जब सर्वे पे भेजोगे, बच्चे को भेजो कि जाओ पता करो तुम्हारी गली में किसकी शादी हुई या नहीं हुई, और जिसकी होनी रही क्यों नहीं हो रही। अब मैं एक चीज और यहां से क्लियर कर देता हूं, दो पॉइंट तो ये क्लियर कर दिए, मेरे मन में पॉइंट आते जाएंगे और मैं क्लियर करता जाऊंगा, ऐसा ही है मेरा पेडागोजी का। देखो अगला पॉइंट, डाटा कलेक्शन और डाटा का एनालिसिस, दो चीजें होती है, इकट्ठे करना और निरूपण करना, यह बात ध्यान रखना भाई, इकट्ठे करना और विश्लेषण करना यानी निरूपण करना, पांचवी तक का बच्चा सिर्फ इकट्ठे करके ला सकता है, कलेक्ट करके ला सकता है, मतलब ग्रुप बना सकता है डाटा का, यह नहीं बता सकता कि उसका निष्कर्ष क्या है। बात समझ आई, आंकड़े आप भेजोगे उसे गली में, जाए इकट्ठे करके ला कितनों की शादी हुई, क्यों नहीं हो रही है ये विश्लेषण नहीं कर पाएगा, तो पांचवी तक का बच्चा कलेक्ट कर सकता है, छठी से आठवीं के दौरान हम बच्चों को आंकड़ों का विश्लेषण भी सिखाते हैं। आओ तुमसे विश्लेषण का सवाल पूछ लेते हैं, ये तो बात समझ आ गई तुम्हें कि आंकड़े इकट्ठे हो सकते हैं। अब ये एक आंकड़ा है जो पांचवी तक का बच्चा इकट्ठा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्या कहा गया है कि कठिनाई स्तर रखा जाएगा आठवीं तक का, तो आओ आठवीं तक का आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये पेपर में ऐसे ही आता है, देखो डाटा पांचवी तक के सिलेबस में, लेकिन तुमसे कठिनाई स्तर आठवीं वाला कर देंगे, इसको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ, देखो पेडागोजी में तो मैं शर्त रख सकता हूं, किसी ने अगर सारी मेरी क्लासेस देख ली पेडागोजी की,
पहले भी मैंने 13-14 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट मैथ्स पेडागोजी के नाम से। हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए, हो ही नहीं सकता। बताइए क्वेश्चन, तालिका विभिन्न सप्ताहों के दौरान पौधों की लंबाई में परिवर्तन दर्शाती है, पौधों की लंबाई सबसे ज्यादा बदलती है कब? सबसे ज्यादा, कल परसों भी हमने ऐसा सवाल किया था। तो ये जो आप आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे हो, छोटा बच्चा नहीं कर सकता। कितना? 2.2। कितना भाई? ये आपका आ गया 3.1। 3.1 ये कितना आ गया जी? 2.8। ये कितना आ गया? 8 और 3 11, 2.9। तो सबसे ज्यादा मुझे दूसरे से तीसरे में नजर आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 8वें का बी दिया है निधि ने। निधि और बच्चे ज्यादातर डी में परेशान हो रहे हैं भाई। 8.6 से 11.5 में 2.9 का ही तो बदलाव है। 8 और 3 11 होता है, ठीक है ना, और यहां 3.1 का है। आप 2.7 में 3 जोड़ते तो 5.7 आता, और ये उससे भी एक ज्यादा है, बी होगा। मेरी क्लास पढ़ के 27 नंबर आए हैं। अरे तेरी खुद की मेहनत से आए हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बी 3.1 की वृद्धि है। 2 से 3, 2 से 3 हमने भी दिया है, आपने भी दिया है बी। चलो एक क्वेश्चन का और दे दो, इस बार आपकी जय बोल देंगे आप सबकी। आप मुझे ये बता दो, विभाजकता के नियम से रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से तो कटती है लेकिन 6 से नहीं कटती? 5 और 7 से कटती है और 7 से नहीं कटती। सुषमा कुमारी, समझना क्या है, एक पौधे के बारे में बताया गया है, पौधा हर वीक बढ़ रहा है ऐसे। किस वर्ष में, किस सप्ताह में सबसे ज्यादा बढ़ा है ये बताना, तो सबका अंतर निकाल लिया। दूसरे से तीसरे सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा है। समझने के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा सवाल पढ़ना, तो पहले सवाल तो पढ़ा करो। दिए गए विकल्पों में से एक संख्या की पहचान करें जो 5 और 7 से तो कटती है लेकिन 6 से नहीं कटती। आओ, 6 से कटने का अर्थ है भाई नंबर कटेगा 6 से। मैंने कल भी बताया था 6 से कटने का अर्थ है 2 और 3 से कटेगा, ठीक। 2 से तो ये सारे कटते हैं, 2 से तो ये सारे कटते हैं क्योंकि सबके अंत में 0 है, 2 से तो कटते हैं। 3 से कौन कौन सा कट रहा है वो हटा दो। 42 3 के पाड़े में आता है, 63 भी 3 के पाड़े में आता है, 21 भी 3 के पाड़े में आता है। आंसर होगा बी, इन्होंने कहा है 6 से नहीं कटना चाहिए। तो भाई ये तो 6 से कटते हैं, 21 भी, 63 भी, 42 भी, ये सब 6 के पाड़े, उसके 3 के पाड़े में आते हैं, तो हम इन्हें नहीं लेंगे, हम वो लेंगे जो 3 के पाड़े में नहीं आता। 28 फिर से रिपीट करूंगा एक बार, तब तक आप जो बालक नए जुड़े हैं क्लास में, फ्री क्लासेस चलती हैं भाई डेली, 4 से 5 घंटे की क्लास आपकी डेली हो रही है, ज्यादा की हो जाती है, पेपर 2 मिला लो तो 7 घंटे के आसपास की फ्री क्लास है। यूट्यूब पर बिल्कुल आराम से बैठ के रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो, बस अब तुम्हारी ऊपर है, मतलब वो पैसे वाला फैक्टर गायब। अब सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए सिर्फ यूट्यूब खोलना है। सवाल में कहा 5 और 7 से कटता हूं मास्टर जी, 6 से ना कटता हो, तो मैं कह रहा हूं 6 से कटना वाला नंबर कौन होगा जो 2 के भी पाड़े में आएगा, 3 के भी, 2 का तो मैटर ही खत्म है, सारे इवन नंबर है, सारी सम संख्या 2 से तो कटती है। 3 नंबर क्या चाहिए हमें जो 3 से ना कटता हो, क्योंकि 6 से नहीं कटवाना तो 3 से भी नहीं कटवाना, और ये तो कटता है 3 से, 21 63 42 28 नहीं कटता, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 28। चलो वापस चलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पे, आराम से पढ़ेंगे तभी अब पता चलेगा आप में से कितने लोग अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं मेरी तरह। क्वेश्चन नंबर 10 यही पूछ रहा है कि रिहाना जो है, रिहाना तो गाने गाती है ना, रियाना वही है ना, गाने गाती एक सिंगर है, तो अब ये मैथ की टीचर बनना चाहती है। इसने यूट्यूब पे मेरी क्लास देखी, तब से इसका हृदय परिवर्तन हो गया और चाहती है कि मैं भी आयुष सर की तरह जो है मैथ पढ़ाऊं। तो इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस रेस्पेक्ट में बताइए, हर सवाल का हल आएगा, अपने ऊपर लेके सोचो। दसवां क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर,
कोई भी क्वेश्चन ना ऐसे मतलब बिल्कुल देख के बैठ के डरना नहीं है। आप उसे एक बार सोचो तो सही कि तुम अपने मैथ के अध्यापक में क्या क्वालिटी चाहोगे, क्या तुम चाहोगे तुम्हारा मैथ का टीचर तुम्हें ओलंपियाड के लिए तैयार करवा दे, जो स्कूल टाइम पे नहीं होते थे मैथ के और फिजिक्स के साइंस के ओलंपियाड होते थे, उसके लिए तैयार करवा दे बच्चे को। गलत। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ, यानी एक ऐसा अध्यापक जो कॉन्सेप्ट को समझता हो और हमें उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा सके। ये अभी जो मैं सासू माँ और माँ खेल रहा था वो रियल लाइफ से ही तो कनेक्ट कर रहा था। कोई भी बच्चे को वो एग्जाम्पल दीजिए जो उसकी लाइफ से कनेक्ट होता हो। मैंने सासू माँ का ही एग्जाम्पल क्यों उठाया, मैं शादी का ही एग्जाम्पल क्यों उठाए। मैंने बच्चों को कहा था ना आंकड़े इकट्ठे करो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तुम्हारे ही नाम लिखने आने वाले थे। क्या ये एग्जाम्पल तुम पांचवी के बच्चे को दे सकते हो? उसे नहीं आएगा समझ सासू माँ क्या करती है, माँ और सासू माँ का अंतर क्या होता है, शादी क्यों नहीं हो रही होती है, नौकरी की क्या दिक्कत है। तो ये तुमसे कनेक्ट किए थे मैंने एग्जाम्पल। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है उससे कनेक्ट करे। क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दसवें का आंसर बी। मेरी एक छोटी सी वीडियो है शॉर्ट सीटेड मैथ शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की एक वीडियो बना रखी है, 10 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं। एबिलिटी टू रिकॉल, फॉर्मूले रटना गलत, नेगेटिव वर्ड, यहीं से नोट करते चलो नेगेटिव। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करवाना या एग्जाम की तैयारी करवाना नेगेटिव। ठीक, देखो आप बड़े हो गए हो, आपको करवाना पड़ रहा है, लेकिन छोटे बच्चे को आप कंपटीशन के लिए नहीं तैयार कराते हो। मेंटल एबिलिटी मतलब कोई गणित का कोई पार्ट सॉल्व कर लेना, वो हम नहीं चाहते कि बच्चा कोई इस टाइप का सवाल सॉल्व कर ले, उस टाइप का हम चाहेंगे संपूर्ण सीख जाए। तो बी बी ठीक आ जाओ, बी बी हो गया वल्ला हबीबी। अब एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा लॉजिकल है, स्टेप वाइज चलोगे तो ही सोल्व होगा, जो बच्चे लटकू झटकू हैं वो इसमें रह जाएंगे, जो लटकू झटकू वाले हैं वो इसमें रह जाएंगे। तो अब पता चलेगा कितने बच्चे ऐसे जो धैर्य के साथ सोल्व करेंगे। धैर्य सुनते ही आधे तो भाग जाएंगे वीडियो छोड़ के, कि धैर्य का काम नहीं मास्टर जी कुछ और बताओ। एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट की बात हो रही है, जिसमें 4 छात्र शामिल थे और निम्न परिणाम आए हैं। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबा है, सीमा 4 सेंटीमीटर छोटी है सेलमा से, दिनेश 2 सेंटीमीटर लंबा है सीमा से, सेलमा 138 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको बताना है, कुछ कुछ तो बताना, बता दो निर्मल की हाइट बतानी है। कौन है जो निर्मल की हाइट बता पाएगा तुम में से? भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, देखो वीडियो पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब काम यूट्यूब को करना है, शेयर वेयर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम पसंद वाला बटन दबाओगे ना तो यूट्यूब को लगेगा भाई वाह कोई ऐसी वीडियो है जिसे सब पसंद कर रहे हैं, तो औरों को भी दिखा देता हूं, तो ये वीडियो और बच्चों तक ऑटोमेटिक यूट्यूब भेज देगा। तुम सिर्फ लाइक कर दो, और अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल भी देख लेना। करिए देखिए क्या क्या नाम है, पहले नाम लिखवा दो मेरे साथ, 4 नाम है भाई। नाम भी ऐसे हैं कि हम NSSD भी नहीं लिख सकते। निर्मल, सीमा, सीमा की ये कौन सी स्पेलिंग है मुझे समझ नहीं आ रही, सेलमा और दिनेश, सेलमा और दिनेश। सवाल को पढ़ते हुए चलेंगे, पूरे सवाल में मुझे कुछ समझ आया हो या ना समझ आया हो, मुझे ये बात जरूर समझ आ गई कि जो सेलमा है वो 138 सेंटीमीटर लंबी है, तो हर किसी को समझ आ गई होगी। PDF भाई डेली शेयर कर देता हूं आपको, जो PDF है मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, सब जगह डालूंगा, पढ़ो। सेलमा क्या करती है, 138 सेंटीमीटर लंबी है, करती नहीं है, वो है इतनी लंबी, ठीक, भगवान ने बढ़िया हाइट दी है सेलमा को। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, सीमा 4 सेंटीमीटर छोटी है किससे, सीमा 4 सेंटीमीटर छोटी है सेलमा से, सीमा 4 सेंटीमीटर छोटी है सेलमा से, कितनी हो गई भाई 134। आगे चलो, दिनेश 2 सेंटीमीटर लंबा है सीमा से, दिनेश 2 सेंटीमीटर लंबा है सीमा से, इसमें 2 जोड़ेंगे 136। अब अंतिम पड़ाव, अंतिम लाइन कि निर्मल जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है दिनेश से, इससे 8 सेंटीमीटर लंबा कितना हो जाएगा 144, और 144 ना बहुत ही प्यारा नंबर है, 12 का स्क्वायर भी है, ठीक, ये 24 छिक्का भी है, ठीक, ये 16 अट्ठे भी है, ये नहीं
18 नम्मे, 18 कितने होता है, 18 के भी पहाड़े में आता है 144, कितने पे आएगा, 18 अट्ठे भी होता है, बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत चीजों के पहाड़े में आता है, ये बात ध्यान रखना 144 के बारे में। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 144। शुरू कहां से करना है, शुरू उससे करना है जो दिया हुआ है। आपके मन में एक सवाल आएगा किससे शुरू करें, सर उससे शुरू करो भाई जो दिया हुआ है 138। अब इस पे 4 कम किया सीमा, उस पे 2 बढ़ाया दिनेश, और दिनेश पे कितना बढ़ाया, 8 बढ़ाया, निर्मल पे आ गए 144। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने कहा था ये सवाल धैर्य वाला है, ठीक, चलो धैर्य का भी किया तुमने, अच्छा भाई। सवाल नंबर 11, एक सवाल और करोगे अभी तो तुम, ये सवाल भी थोड़ा थोड़ा धैर्य मांगेगा आप लोगों से। सवाल नंबर 12, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है, इस बार भाई इस आने वाले सोमवार को फ्री सेमिनार हम लोगों ने रखा है। आप सब बच्चे कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हमसे 11 अप्रैल को 11 बजे मिल सकते हैं फ्री में, दिल्ली में मिल सकते हैं, मुखर्जी नगर लोकेशन है। लोकेशन के लिए आप नीचे गूगल फॉर्म है उसे जाके भर दीजिए, आपको फोन करके अच्छे से लोकेशन कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, पूरा समझाया जाएगा। तो फ्री सेमिनार के लिए देखो कितने टीचर्स हैं, सब टीचर्स अपने विभाग के तुर्रम खान हैं, उन सब ने अपने अपने उसमें बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके यहां तक पहुंचे। तो उनका स्ट्रगल उन्होंने कैसे किया, क्या फेल होने पे उन्होंने, उनके भी मन में कभी निराशा आई थी कि छोड़ दें या ये कर लें या वो कर लें, तुम सब इन सब से सीख सकते हो। ऑनलाइन टीचर कैसे बने, क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में क्या क्या मौके हैं या सरकारी बेहतर है, सब डिस्कशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट 11 अप्रैल को। तो तैयार रहना, नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हैं आप। अब देखते हैं वापिस सवाल कहां गया हमारा, भाई छिप मत बाहर आ जा, करके तो रहेंगे। सवाल ये है, दो आईपीएल चली रही है, चलिए ना, एक बच्ची कह रहे मेरा नाम लीजिए, क्या गुम हो गई हो क्या कहीं, गुम हो गई हो क्या कहीं, एक कह रही है मेरा भी नाम ले दो। आओ देखो बेसिक से यार, एक एक लाइन तो पढ़ो। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाए, टीम ए कह रही है 368 बनाए हमने और कितने बनाए 458, इन्होंने तो ये रन बनाए, टीम ए ने 368 और 458, टीम बी 395 और 439, इन्होंने बनाए हैं 395 और 439, टीम बी ने ये रन बनाए हैं। आपको बताना कौन सी टीम जीती है, इतनी साफ साफ लिखा हुआ, मुझे लगता है मेरी मम्मी को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी बता देती, ठीक है। आ जाओ अब, 5 और 9 4 का हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 2 का हासिल लगा 1, 12 और 1 13 होता है ना, 3 और 4 7 और 1 8, 834 रन के साथ टीम बी आउट हुई है। टीम ए पे आ जाओ, 8 और 8 6 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 1 2 का हासिल लगा 1, भाई 3 और 4 7 और 1 8, 826 रन, बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है मुझे टीम बी जीत गई है, कितने रनों से, 8 रनों से, 8 रन और नहीं बने इनसे, बताओ टीम बी विजेता हुई है 8 रनों से, किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, टीम बी ने जीता 8 रन से। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अगर क्वेश्चन होता कौन हारा और कितने रन से, कौन हारा कितने रन से, तो क्या आंसर होता, इसीलिए मैं कहता हूं अंतिम लाइन हमेशा पढ़ा करो, कौन हारा और कितने रन से हारा, तब आंसर क्या होता। कौन हारा और कितने रन से हारा, तब आंसर होता सी, तब आंसर क्या हो जाता, सी फॉर चुन्नीलाल। भाई क्लास चलती है डेली 3 से 4 3 से 4 3 से 4 3 से 4। अब आते हैं वापस पेडागोजी पे, तुम में से कुछ बच्चे ना कंजूसी कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं लाइक नहीं करेंगे, भाई सब भूल जाओगे, सब कुछ याद नहीं रहेगा अगर मास्टर जी की गुरु दक्षिणा जेब में रख के ले गए तो, कोई फायदा नहीं होगा। क्लास टाइम डेली 3 से 4, देखो मुझसे पहले ईवीएस, उससे पहले आपका हिंदी, हिंदी से पहले सीडीपी और सीडीपी से पहले शायद संस्कृत, संस्कृत 4 बजे और 10 बजे कभी भी चल जाती है, उसका कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा थोड़ा। करिए अगला सवाल,
द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ओप, यहां पर एक सवाल दिया गया है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। मैं आपको शब्द समझाता हूं, एक शब्द यहां पे आपके सामने नजर आ रहा होगा, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, बताइए अपने पिताजी का नाम तो ओपन नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा वो तो। बंद अंत वाले उत्तर वो होते हैं जिनका एक ही आंसर होता है, जैसे मैं आपसे कहूं अपने पिता का नाम बताओ, हो गया। अब मैं आपको दूसरा ये कहूं अपने दोस्त का नाम बताओ, तो दोस्त ओपन एंडेड है, आप किसी का भी नाम बता सकते हो, ये खुला सवाल है, ठीक, मुक्त है ये सवाल, वो बंद है, ये मुक्त है। मुक्त में ना कोई भी आंसर आ सकता, कुछ भी बच्चा आंसर दे सकता, जैसे दोस्त का नाम, क्लोज हो गया जैसे पिता का नाम। अब कुछ सवाल ऐसे हैं वो किसी के लिए ओपन है, किसी के लिए क्लोज। जैसे मैं कहूं आप अपने बाबू का नाम बताइए, तो किसी के लिए वो आंसर ओपन है, किसी के लिए वो क्लोज है, कोई कहेगा सर एक ही है, कोई कहेगा सर बहुत सारे। तो ये होता है ओपन और क्लोज। मैथ में मैं आपको कहूं पांच में किसकी गुणा करूं, कि नहीं किन दो नंबरों को जोड़ू कि आठ आए, तो कुछ भी बता सकते हो आप, सात और एक आठ, छह और दो आठ, तीन और पांच आठ, चार और चार आठ, 7.5 प्लस 0.5 आठ, कुछ भी बता सकते हो। मैंने सवाल ही आपसे ओपन पूछा है कि किन्हीं दो नंबरों का जोड़ आठ होता है, बताओ कौन से वो नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं पांच में क्या जोड़ू कि आठ आए, फिर फिक्स हो गया आंसर तीन, वो क्लोज हो गया, तो ओपन क्लोज तो होता ही है। अब सवाल पे आओ, रेनू के पास कुछ मार्बल थे, कुछ कंचे थे, चार गायब हो गए, अब उसके पास सात बचे हैं, आपको बताना है कि ये सवाल कैसा है। ये देखो ये सवाल प्रासंगिक तो है, कॉन्टेक्स्ट तो है, कॉन्टेक्स्ट समझते हो क्या होता है, जिस सवाल में कुछ संदर्भ हो। मैं भाई आपको सवाल ये भी तो दे सकता था कि सात प्लस चार बता दो क्या होगा, दे सकता था ना मैं आपको सात प्लस चार, कुछ भी दे सकता था कि सात प्लस चार बताओ, सात प्लस पांच बताओ, लेकिन यहां पर संदर्भ दिया गया है, उस चीज की कहानी दी गई है, तो कॉन्टेक्स्ट कहते हैं उस चीज को जिसमें संदर्भ हो, जिसके पीछे कोई कहानी हो। अब कहा गया है कि उसके पास शुरुआत में कितने थे, उसके चार खो गए, अब उसके पास सात बचे, तो ये है घटाओ पर प्रासंगिक प्रश्न, कॉन्टेक्स्टुअल क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन। अच्छा कुछ बच्चे को क्या लगेगा कि सवाल में आंसर तो जोड़ से आएगा, भाई उससे मत सोचो, उसके पास शुरुआत में कुछ थे, चार गायब हो गए, अब कितने बचे हैं, सात बचे हैं, तो इसे लिखा ऐसे जाएगा, सवाल ये घटाने से संबंधित है, क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन, मतलब इसमें कोई चीज घटी है, घटाव हुआ है। ये मत सोचो कैलकुलेशन क्या करनी है आपको, ये मत सोचना कैलकुलेशन क्या करनी है, कभी भी क्वेश्चन में ये मत सोचना लास्ट में क्या कैलकुलेशन होगी, नहीं, लिखना क्या है, बात क्या कह रहा है, आपके चार कंचे चोरी हो गए, आपके पास कुछ थे चोरी हो गए, अब इतने बचे, ठीक, पॉइंट क्लियर। चले अगले सवाल पे आ जाओ, एक और खतरनाक सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आना चाह रहा है, मैं से बहुत देर से रोक रहा था। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर लो, मैं फिर इसका एक फास्ट तरीका भी बताऊंगा। अरे अश्वनी अभी मेरे घर पे थोड़ी रिनोवेशन चल रही है, तो स्टूडियो का काम चल रहा है अभी, इसलिए वो क्लास में घर से लेनी पड़ती है, स्टूडियो में काम चल रहा है, तो रात वाली क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। DSSB सुपरटेट KVS का जिसको पढ़ना है रात 10 बजे से, भाई कल परसों से शुरू कर सकता, आज शायद लाइट लग जाएगी, तो आज तो नहीं कल से स्टार्ट हो जाएगी। 700 से ज़्यादा बच्चे, 700 से कम लाइक, ऐसी क्या गड़बड़ है भाई, जो आपके हाथ रुक रहे हैं और हाथों का मन नहीं है, तो मेहंदी हटा के हाथों की लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक का फायदा मुझे सब्सक्राइब का तुम्हें। आओ देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि औसत ऊंचाई पांच दोस्तों की 150 है, औसत ऊंचाई कितनी है पांच दोस्तों की 150, यानी जो ये पांच दोस्त हैं जिन्हें आप कह रहे हो ये सब मिलके कितने हैं, पांच दोस्त हैं तो सब मिलके कितने हो गए, 750। अच्छा 153 150 151 147, इन चारों की कितनी है, पांचवा हम खुद निकाल लेंगे, इन चारों की देखो कितनी है, इन चारों की है 7 और 3 10 और 11 हासिल लगा 1, 15 4 19 20 हासिल लगा 2, 4 और 2 6 601 है, कितना बच गया 149, कितना बच गया 149, क्वेश्चन का आंसर होगा बी,
क्वेश्चन नंबर, ये शायद 14 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी फॉर बबलू भैया। ठीक है, अब ये तो कोई भी मास्टर सिखा देगा पूरे यूट्यूब पे। हमारी क्लास में आया हो तो कुछ खास के लिए ही आए होंगे, तो खास दिखा दे। 4 दोस्तों का जोड़ेंगे तो 601 आएगा, टोटल 750 आएगा। अंतर कितना है? 149। ठीक, वही पांचवा दोस्त है। अब मेरे स्टाइल में देखो भाई, औसत 150 होने का मतलब है हर व्यक्ति के पास 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए औसत? ना राम राज्य की तरह है, सब में बराबर बंटवारा नहीं। अभी जो राम राज्य चल रहा है वो नहीं, जो असली राम राज्य है कि हर किसी को बराबर मिलेगा। ठीक, ये पांचवे दोस्त के बारे में हमें जानना है, सबको बराबर दो। इसके पास कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। इसके पास 0, इसके पास 1 ज्यादा, इसके पास 3 कम है। देखो, इसके पास 3 ज्यादा, इस बेचारे के पास 3 कम है। दिलवा दो ना यार, इससे से दिलवा दो, हो गया काम, इन दोनों का बंटवारा हो गया। मैंने बोला तेरे पास 1 ज्यादा, चल इसे दे, यानी इसके पास 1 की कमी है। 150 से 1 कम कितना है? 149 है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 149 विदाउट एनी कैलकुलेशन। रमन राज जी, मैंने बोला था औसत बीच वाला होता है, लेकिन कब? जब संख्या लगातार आने वाली हो, यानी संख्या का अंतर समान हो, समान अंतर हो। ये समान अंतर की संख्या नहीं है, कहीं अंतर 1 है, कहीं 3 है, कहीं कुछ है। अब फिर से देखो, औसत 150 है, यानी सबके पास 150-150 होना चाहिए। ये 3 फालतू लेके बैठा, निकाल इससे, रख नीचे, रख दिए इसने अपने 3। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास 1 ज्यादा, इसके पास 3 की कमी है, इसे पता नहीं अभी हमें। भाई जो इस पे 3 ज्यादा है वो इसे दिलवाओ, कट गए दोनों। इस पे 1 ज्यादा है, इस पे 1 की कमी है, 150 से 1 कम, यानी 149 बैलेंस हो गया। अब सब में बराबर बंटवारा हो गया। औसत का अर्थ ये होता है कि बराबर बंटवारा कर देना। पॉइंट क्लियर? चलो एक सवाल और करते हैं मैथ का, आसान करवाऊं कि मुश्किल करवाऊं? चलो आसान सही कर लो, सवाल नंबर 15। फिर इसके बाद करेंगे पेडागोजी का क्वेश्चन। धीरे धीरे तुम्हारी पेडागोजी डेवलप करता हूं, और मैं कुछ वीडियो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। 15 मिनट की शॉर्ट वीडियोस डालनी शुरू करूंगा मैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, वो देखते रहना, वो टाइमिंग का कुछ भरोसा नहीं होगा, कभी भी पढ़ा दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। जो बच्चे सीरियस है, सही में पढ़ना चाहते हैं, वो उन वीडियोस को देख लेंगे। तुम्हारे 30 नंबर मेरी जिम्मेदारी, लेकिन वो वीडियो खोल के देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। टॉपिक वाइज तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे तुम्हें समझ आएगी, वो मैं बनानी शुरू कर दूंगा। पेडागोजी की वीडियो शुरू करूंगा। आओ देखो, यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है, 12 सीटों का वजन कितना? 40 ग्राम। उस कागज की कितनी सीटों से 3.5 किलोग्राम वजन होगा? कितना? 3.5 किलोग्राम। देखो, 3.5 किलोग्राम का मतलब होता है 3500 ग्राम। कितना? 3500 ग्राम। हर 40 ग्राम में कितनी सीट है? देख लो आप ही, हर 40 ग्राम में कितनी सीट है? 12 सीट। ये तो वो जिसका गणित स्ट्रोंग है ऐसे लिखेगा, जिसका कमजोर है ऐसे लिखेगा। 12 सीट मतलब 40 ग्राम। कितनी सीट ये तुम निकाल रहे हो? कितनी सीट हो कि 3500 हो जाए? कितनी सीट हो कि 3500 हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ये इधर आ जाएगा और 40 से भाग हो जाएगा। भाई 40 कितनी बार आया 3500 में? जितनी बार भी आया है, हर बार के लिए 12 सीट मिलती है। हर बार के लिए कितना? 12 सीट। सोचो तुम, 80 ग्राम होता है यहां, तुम 40 से भाग करते 2 आता, और गुणा 12 करते तो 24 ही तो आता। ऐसे ही तो करते, क्वेश्चन को देखो, 80 को 40 से भाग करता 2 आता, 2 बार 40 आया, और 1 40 ग्राम में 12 सीट है तो 24 सीट हो जाती। तो ऐसे ही से भाग कर लो, फिर हर बार पे 40 सीट, 12 सीट है। या फिर ऐसे देखो, 12 सीट का मतलब 40, एस का मतलब क्या होगा, ये ढूंढ रहे हैं बस, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। अब देखो कैसे, फिलोरी बिना चटनी कैसे बनेगी? 0 से 0 कटेगी, 4 से 12 3 पे जाएगा, 35 दिया हमारे यहां होता है 105। 20 क्वेश्चन का आंसर होगा।
जानकी जहाजी पेपर टू के लिए सिर्फ पेड बैच, पेपर टू के लिए पेड बैच कल से स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, देखिए भाई एक तो फ्री सेमिनार हो ही रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्राइस बढ़ने वाला है और सब जगह के प्राइजेस अब बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, तो प्राइस बढ़ेंगे अब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। Y174 कोड का इस्तेमाल करके आप महापैक लेना चाहते हैं तो अभी ले ले, बाद में पैसे बढ़ जाएंगे घटेंगे नहीं। सेकंड पॉइंट, महापैक होता कितने का है? आज की डेट में आपको 3100-3200 रुपए का मिल जाएगा एक साल के लिए, जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच पढ़ सकते हैं आप, अगर अलग अलग लेना चाहते हो ना तो अलग अलग भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये अकेला 1500 रुपए में है, ये सीटेट पेपर 2 का बैच 1500 से 2000 में है, बिहार टेट का बैच पढ़ सकते हैं। मैथ साइंस में कह रहा हूँ पेड बैच में पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो पेपर 2 के लिए। KVS DSSSB सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो पेड बैच से करने की कोशिश करो, 1000-1500 रुपए 2000 का लालच मत करो, ठीक। जब तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उस टीचर पे भी आ जाएगी, दोनों फिर रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे इक्वल, ज्यादा अच्छे तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ पाओगे। वरना फिर तो जैसे तुम जानते हो भाई, फ्री तो शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में दी जाती है, क्यों विफल हो रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण विफल हो रहे हैं, ना तो छात्र खुद को उतना रेस्पॉन्सिबल समझ पाता ना अध्यापक। बिहार टेट के भी बैचेज है, सुपर टेट, KVS DSSSB, इनके भी बैच है, लेकिन मेरी सलाह यही है आप महापैक लें, उसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आप सीटेट के बाद आगे भी तो तैयारी करोगे। अब मेरी एक ही शिकायत था आप लोगों से कि इतने सारे बच्चे देख रहे थे और किसी ने मन से लाइक नहीं किया, तो जाते हुए अब आपको क्या करना है, लाइक करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई मेरी, पिछले बार के सीटेट की प्लेलिस्ट देख सकते हो अभी जल्दी में, बहुत जल्दी है पढ़ने की, तो वरना मैं 15-15 मिनट के अब शॉर्ट वीडियोज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मिलेंगे फिर से 3 बजे यहीं पर पढ़ते हुए, ठीक है, बाय बाय। पेड बैच लेना कैसे है? या तो आप ले सकते हैं भाई adda247.com पर जाकर, यहां जाकर इस वेबसाइट पे लीजिए, या आपके सामने ना स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, देखो ये नंबर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे मेरा कोड आ रहा है, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वाहवाही होगी मास्टर जी की कि बताओ बच्चे ने आपका कोड इस्तेमाल करके लिया है। तो आपको जिस भी अध्यापक से लगा हुआ उसका कोड लगाइए, उसकी फिर वाहवाही होगी कि बताइए आपका कोड लगा हुआ है। बाय बाय। लाइक मैंने कहा करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके थोड़ा सा हौसला दे दिया करो यार, तभी तो फिर मन करेगा ना 15 मिनट वाली वीडियोस बनाने का। तुम नहीं हौसला दोगे तो कैसे चलेगा? तो हौसला दीजिए, शेयर वेयर कीजिए। बाय बाय।